हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए रेसिपी ब्लॉग पे। ये देखिए हमारा 2 kg मटन है, ये देख सकते हैं। ये आपका काफ़ी बल्की क्वांटिटी में हमारा मटन है, 2 kg से पार है, लगभग 2 kg 300 या फिर 400 है ये हमारा मटन आया है। इसका अभी हम लोग थोड़ा सा या फिर 1 से 1.5 kg हमारा चिकन मटन कोसा हो जाएगा और बाद बाकी जो है वो हमारा मटन का पीठा बनेगा। ये देख सकते हैं हमारा मटन काफ़ी सारा है, ये आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो पे। हमारा मटन का क्वालिटी चेक कीजिए, काफ़ी सारा हमारा मटन है, एक थाली के पूरा भर चुका है, ये देख सकते हैं। ये देखिए हमारा मटन का क्वालिटी, आपको फिर से सामने से हम चेक करवाते हैं एक बार। ये देखिए हमारा मटन, ये देखिए हमारा गैस के ऊपर कढ़ाई आ गया है। ये हमारा सरसों तेल हमने ऐड कर दिया। ये देखिए हमारा 1.5 kg, हम इसे अभी कोसा बना ले रहे हैं, मटन कोसा डायरेक्ट, खाली कुछ ग्रेवी नहीं होगा, खाली कोसा हुआ चटपटा सा। और जो हमारा 1/2 kg था वो हमारा पीठा के लिए रखा हुआ है। चलिए आज के ब्लॉग पे बनिए, आपको हम आगे दिखाते हैं टेस्टी सा कोसा कम इंग्रेडिएंट में आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारा तेल, ये देखिए हमारा कढ़ाई के ऊपर हमारा तेज पत्ता फोरन के लिए, तेल हमारा गर्म था या फिर थोड़ा सा गर्म कम था, गैस का फ्लेम हमारा लो था इसलिए। ये देखिए हमारा अभी प्याज आएगा, प्याज भी ऐड हो गया हमारा, इसे थोड़ा सा मिला लेना है, प्याज हमारा ब्राउनिश पन में होने तक छोड़ देना है बस। ये देखिए मेरा हरा मिर्चा भी हम लोग का आ जा रहा है, ऊपर से हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, हमारा मसाला में लाल मिर्चा ऐड हुआ था, ये अब हम फ्राई होने तक रुक जाएंगे। ये हमारा प्याज भुन के ब्राउनिश पन में हो गया, ये हमारा मसाला जो हम इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल करते हैं वही का मसाला हम रेडी कर लिए थे मिक्सी पे बना के। ये देखिए ये रहा हमारा मसाला, जीरा अदरक लहसुन प्याज और हमारा जो लाल मिर्चा गरम मसाला गोटा वाला वही इसी का ऐड करके पेस्ट बना था हमारा। ये देखिए क्योंकि हमारा घर का सिल कुत्ता का वो छोटा वाला सिल कुत्ता वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए मिक्सर पे ही पीस रहे हैं। देखिए मसाला हमारा थोड़ा सा भुन गया है, ये अभी थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ रहा है, अब इसी टाइम अभी हल्दी ऐड कर लेंगे ऊपर से। ये हमारा स्वाद अनुसार हल्दी है, आप कलर हिसाब से दीजिए, आपको कितना कलर में क्वांटिटी चाहिए, रात को उतना भी कलर नहीं होता है। ये रहा हमारा हल्दी ऐड ऑन हो गया। ये देखिए हमारा जो डेली यूज़ करते हैं हम घर पे, ये हमारा मास्टर मसाला, ये आप देख पा रहे होंगे हमारे इस ब्लॉग पे। ये उसके बाद हमारा चिकन मसाला आ जाएगा जो हम लेकर के आए थे तभी, और साथ ही में थोड़ा सा हमारा मटन मसाला भी ऐड हो जाएगा जो हमारा मीट मसाला है। ये देखिए फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा आपको कलर डालना है तो हमारा कश्मीर गुंडा भी इसी टाइम आप ऐड कर सकते हैं, हम लोग का कलर के लिए हम लोग कश्मीर गुंडा ऐड करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमारा कश्मीर गुंडा आपको फिर चला ले, ये देखिए अच्छे से मिला लिया, आपको इसी टाइम आपको कलर देखने मिलता है। ये देखिए, ये देखिए हमारा मसाला भुन के थोड़ा रेडी हो गया, अभी हमारा चॉपर काट के टमाटर हम लोग ऐड करने वाले हैं। ये देखिए इसे टमाटर हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, ये देखिए हमारा टमाटर ऐड हो गया। ये देखिए अभी स्वाद अनुसार हमारा नमक ऐड कर लेंगे, ये देखिए हमारा नमक आ गया स्वाद अनुसार। अभी इसे थोड़ा सा मसाला को अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरह से इसे भून के पकने के लिए छोड़ देना लो फ्लेम में, हमारा जब तक टमाटर गले ना। देखिए हमारा मसाला से तेल निकल रहा है, इसी टाइम अभी हम जो हमारा मटन है वो ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है ये भून के बिल्कुल रेडी है, ये हमारा मटन है तो ये हम धो के हम ऐड कर ले रहे हैं। ये देखिए हमारा मटन काफ़ी फ्रेश क्वांटिटी में है, ये देखिए, ये देखिए हमारा मटन आ रहा है, ये देखिए हमारा मटन, हमारे घर में लगातार 2-3 दिन से मटन का रेसिपी बन ही रहा है। ये देखिए आपको पीछे में नॉइस मिल रहा होगा गाने का, क्योंकि हमारे गांव में पर्व है इसीलिए नॉइस आपको सुन पा रहा है। ये देखिए हमारा मटन का क्वालिटी आप चेक कीजिए, चलिए इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, उसके बाद आपको फिर शो करते हैं। ये देखिए हमारा फ्राई करके अभी रेडी हो रहा है, ये देखिए हमारा कोसा के लिए आप देख पा रहे होंगे हमारे इस ब्लॉग पे। ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा हल्के से हम इसे डबकने के लिए छोड़ दिए हैं, ये देखिए इसे रेडी होगा तो आपको फिर से शो करेंगे। ये देखिए हमारा मटन कोसा रेडी हो गया है पूरा अच्छी तरीके से, ये देखिए हमारा मसाला थोड़ा डबक रहा, बस इसे आप ऊपर पत्ता में धनिया पत्ता गार्निश करके उतारने वाले। आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए चेक कीजिए एक बार हमारा क्वान्टिटी मटन कोसा बनाया है हम लोग का।